अब हमारे समाज को रिप्रेजेंट करेगी, करती कर रही है, उसमें उसकी भावनाओं में क्या अलग है। हम लोग जब बच्चे थे तो क्या भावनाएं थी, हम लोग किस प्रकार से चीजों को देखते थे, बड़ा फर्क होता है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तब समझ में आएगा। तो अब हम लोग सुनने जा रहे हैं आज की दूसरी कलाकार डोरिशा बोस, बहुत ही गंभीर, बिल्कुल ना हंसने वाली। आप कितनी भी ताली बजा दीजिए, बहुत रेयरली, मैंने तो नहीं देखा, कितने भी ताली बजा लीजिए, वो कितना भी अच्छा गा ले, लेकिन ताली उसके बावजूद वो हंसती नहीं, लेकिन आज वो मुस्कुराएगी जब आप लोग सभी लोग ताली बजाएंगे। उसकी मम्मी ने मना किया हंसना, क्यों शिल्पा ऐसा क्यों की हो, इसको रोज सुबह जो आधा घंटा के लिए हंसने के लिए वो करना कि हंसती रहो, नहीं तो खाना नहीं देंगे। तो दोरिशा बहुत ही सीरियस कलाकार है, और सिर्फ व्यवहार में सीरियस नहीं है, अपने काम के प्रति भी पूरी सीरियस है। को मल्ला के रियाज करती है, मैं ऑनलाइन कार्यक्रम में इसका सुनता रहा हूं, वो कैमरे की ओर कम मम्मी की ओर ज्यादा ताकती रही हमेशा, तो आज वो बिना मम्मी की ओर देखे कुछ अच्छा सा सुनाने वाली हम लोग को। क्या सुनाओगी? वाह, जिसकी आवाज राग बिहाग कहने में इतनी मीठी हो तो गाना कितना मीठी होगा। चलिए हम लोग सुनते हैं मीठा मीठा गाना डोरिशा बोस। Bye.
नमस्कार।